हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एसआरएम यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम एसआरएम यूनिवर्सिटी। चेन्नई में इनका मेन कैंपस है, एसआरएम केटीआर बोलते हैं उसको। इसके अलावा कई और भी कैंपस है इनका, वडापलानी है, इसके अलावा चेन्नई से बाहर अमरावती में इनका कैंपस है। लेकिन आज हम केटीआर की बात करेंगे पर्सनली, क्योंकि अगर बच्चा एसआरएम ड्रीम करता है तो एसआरएम केटीआर कैंपस के लिए ही करता है। अब बात करो तो अगर कैंपस की, तो इससे बेहतर कैंपस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शायद ही कहीं होगा। ह्यूज ह्यूज कैंपस है, 250 एकड़ से ज्यादा का कैंपस। आप समझ सकते हो कि आपको अंदर में घूमने के लिए बाइक लेनी पड़ेगी, इस लेवल का कैंपस है। अंदर में आपको कंक्रीट रोड है, बसेस चलती हैं, ह्यूज कैंपस है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं तो, उस लिहाज से आप सोचो तो। सो एसआरएम यूनिवर्सिटी में अगर बात करूं इसकी पूरी की पूरी रैंकिंग्स और इसके एफिलिएशन की, सो यूजीसी एआईसीटी ऑब्वियसली अप्रूव्ड है। साथ में ये जितने भी नेसेसरी अप्रूवल्स चाहिए वो इनके पास है। नैक में A+ है और NIRF में 34th रैंकिंग है इंजीनियरिंग में। ये बहुत बड़ी बात है कि NIRF 34 है, मतलब इंडिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की लिस्ट में एसआरएम यूनिवर्सिटी आता है। और सबसे बड़ी एसआरएम यूनिवर्सिटी की ब्यूटी ये है कि आपको जेई में अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं भी है तो भी यहाँ एडमिशन हो जाता है। एसआरएम यूनिवर्सिटी की खास बात यह भी है कि यहाँ पर अपना इनका एसआरएम जेई का एग्जाम होता है, उसके बेस पे भी ये एडमिशन ले लेते हैं, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बेस पे भी एडमिशन ले लेते हैं, और साथ ही आपका जो मार्क्स है ट्वेल्थ का उसके बेस पे भी आपको जो है एसआरएम में एडमिशन मिल जाता है। मोस्टली आपको मैक्सिमम कोर्सेस में है, हालांकि इनके पास जो कोर्सेस है 150 से भी ज्यादा कोर्सेस ये ऑफर करते हैं, लेकिन मोस्टली जो कोर्सेस है उसमें आपको एसआरएम जेई के थ्रू एंट्री मिल जाती है और यहीं से आपकी फीस भी डिसाइड होती है। एसआरएम में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, 1.5 लाख से फीस शुरू होती है एक कोर्स की। सेम कोर्स के अगर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल बताऊं आपको तो 1.5 लाख से फीस शुरू होगी और 3.5 लाख रुपए तक जाएगी। एक ही कोर्स में, एक ही क्लास में बच्चा बैठेगा, एक बच्चा 1.5 लाख पे कर रहा होगा, एक बच्चा 3.5 लाख पे कर रहा होगा। वो कैसे होता है, एसआरएम जेई में जो भी आपका स्कोर होता है वो आपकी फीस डिसाइड करता है। लेट से मान लो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ही इनकी स्कोरिंग होती है। एसआरएम जेई में अगर आपका 500 के अंदर रैंक है तो आपकी फीस हो जाएगी 1.5 लाख। अगर आपकी सालाना, अगर आपकी रैंक जो है 1000 से 1500 है तो आपकी फीस हो जाएगी 2.5 लाख, और अगर आपकी 2500 से ऊपर रैंक है तो आपकी फीस हो जाएगी 3.5 लाख रुपए सालाना। सो ऐसे फीस डिसाइड होती है एसआरएम यूनिवर्सिटी की। सो एसआरएम यूनिवर्सिटी में एक चीज है कि जिनको भी टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, अगर उन बच्चों का एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, अगर जेई में नहीं भी कम्पीट कर पाए हैं तो एसआरएम में वो एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अच्छा नाम है। अब मैं प्रोस कॉन्स पे भी आऊंगा धीरे धीरे, फीस स्ट्रक्चर पे भी आऊंगा, हॉस्टल्स पे भी आऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर बात करो तो कंप्यूटर साइंस में ये एसआरएम यूनिवर्सिटी में 2500 का इंटेक होता है। आप समझो 2500 बच्चे बस बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेते हैं। सो रश तो थोड़ा है, यहाँ पर रश की बात करूं तो थोड़ा सा रश रहता है एसआरएम में, लेकिन आपके लिए अगर आप अच्छा कर रहे हो यूनिवर्सिटी में तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए खुल जाती है। सो अब मैं बात करूं कैंपस लाइफ की, तो ऑलमोस्ट डाइवर्सिफाइड है, इंडिया के सारे जगह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आके पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट हर कॉर्नर से एसआरएम में स्टूडेंट्स हैं, हम बात कर सकते हैं। हॉस्टल की बात करूं तो 12 से ज्यादा बॉयज हॉस्टल है, 8 से ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल है, हॉस्टल की कैपेसिटी अच्छी है, 1 लाख रुपए से शुरू होकर 3 लाख रुपए तक हॉस्टल की फीस जाती है, मेस का अलग से चार्जेस लगता है। हॉस्टल की फीस डिसाइड होती है आपकी शेयरिंग पे, अगर ट्विन शेयरिंग है तो ज्यादा फीस लगेगी। 6 शेयरिंग तक का ऑप्शन होता है, एसी नॉन एसी हर तरह का हॉस्टल का ऑप्शन है। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो यहां से हाईएस्ट पैकेज 42 लाख का गया है, कॉग्निजेंट सबसे बड़ा रिक्रूटर है एसआरएम यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा विप्रो, इंफोसिस, जिनपैक्ट, ये भी बड़े रिक्रूटर्स में आते हैं। अगर मैं बात करूं एसआरएम यूनिवर्सिटी की एवरेज पैकेज की बात करूं तो 6 से 8 लाख रुपए का इनका एवरेज पैकेज है और मीडियन पैकेज 8 लाख रुपए के आसपास का एसआरएम यूनिवर्सिटी का है। 650 से भी ज्यादा कंपनियां हैं जो एसआरएम यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। कैंपस लाइफ अच्छा है, काफी फेस्ट्स होते रहते हैं इनके पास, और सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्सेज जो भी हैं, बी इट लाइब्रेरी, बी इट लैब, और जो भी रिसोर्सेज आपको स्टडीज के लिए चाहिए वो अल्ट्रा मॉडर्न है एसआरएम यूनिवर्सिटी में। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा एसआरएम यूनिवर्सिटी के कैंपस की जहां हम बात कर रहे हैं। अब प्रोस एंड कॉन्स की बात करें, किनके लिए है, कैसे पहुंच सकते हो, पहले ये डिसाइड जान लेते हैं। तो यहां पर आप चेन्नई रेलवे स्टेशन से करीबन आपको 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है एसआरएम यूनिवर्सिटी पहुंचने में, यही एक रास्ता है, और चेन्नई एयरपोर्ट के थ्रू भी आप एसआरएम यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हो, राइट।
प्रोस कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला प्रोस है कैंपस बहुत अच्छा है, रैंकिंग जो है एनआईआरएफ में 34 है, डाइवर्सिफाई कल्चर है, रिसोर्सेज जो है पढ़ने के लिए वो काफी अच्छे हैं, साथ में लाइब्रेरी इनका बहुत बड़ा यूएसपी है, कॉलेज फेस्ट अच्छे होते हैं। तो ये सारे रीजन है आपको एडमिशन, आपको मोटा मोटा थोड़ा सा एफर्ट मारोगे तो एडमिशन मिल जाएगा एसआरएम में। तो ये चीजें हैं जो एसआरएम के फेवर में है, जो एसआरएम के अगेंस्ट है, अगेंस्ट तो नहीं कॉन्स बोल सकते हैं कि यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप हॉस्टल और ट्यूशन फीस दोनों जोड़ दोगे तो करीबन करीबन 30 लाख क्रॉस कर जाएगा आपका आपकी इंजीनियरिंग में। सो यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि 30 लाख रुपए आप डाल रहे हो आपको वापस कितना मिलेगा। सो इस रीजन से आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो एसआरएम को चाहो तो। चेन्नई का वेदर थोड़ा हॉट होता है और फूड, ये दोनों कल्चर से अडेप्ट करना थोड़ा टफ होता है। सो आप इस पर पॉइंट को भी कंसिडरेशन में ले सकते हो कि क्या साउथ इंडिया में जो वेदर है और जो कल्चर है और जो फूड है उसको लेकर आप अडेप्ट कर पाओगे कि नहीं। थर्ड, जैसा मैंने बताया कि इनटेक बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। अगर कंप्यूटर साइंस में 2500 बच्चे होंगे, चाहे वहां पे 100 कंपनियां भी आ जाएं, लेकिन कंपटीशन तो होगा ही क्योंकि इनटेक इतना ज्यादा है, वॉल्यूम इतना ज्यादा है, नंबर स्टूडेंट का इतना ज्यादा है एसआरएम यूनिवर्सिटी में। सो अभी एसआरएम यूनिवर्सिटी के लिए आपको बता दूं एडमिशन ओपन है, आप एसआरएम के वेबसाइट पे जाके उनका फॉर्म भर सकते हो, एसआरएम जेई के लिए फॉर्म भर सकते हो और आप उसके स्कोर के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप और 2-3 यूनिवर्सिटीज के भी फॉर्म भर के रखिए, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि आरओआई थोड़ा सा मसला यहां पर हो सकता है। तो दिस इज अभिषेक एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ, आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।